वन को, जिस चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हाउ व्हेन एंड वेयर का मतलब कब कहाँ और कैसे। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका देखिए यही क्वेश्चन रहता है कि कोई भी चीज़ जो हुआ कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो यही आज का हम लोग का चैप्टर का नाम है। और इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जो है व्हाई इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो देखिए, पहले का जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो डेट के साथ फैसिनेटेड हुआ करते थे। यानी कि हिस्टोरियंस उसे कहते हैं जो कि हिस्ट्री लिखा करता है। यानी कि देखिए, पहले का जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे जो कि हिस्ट्री लिखा करते थे, वो डेट में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है रखा करते थे अपना। ठीक है, उनको जो डेट लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया करता था। और वो अधिकतर किस चीज़ का डेट लिखा करते थे, तो वो अधिकतर लिखा करते थे कि कोई भी जो राजा है वो जो कब किसी लड़ाई में जीता, कौन सी लड़ाई में कब हारा, कब उसका राजा किसी को हुआ, ये सब जो है हिस्टोरियन जो है लिखा करते थे। ओके, अब देखिए जब वो कोई भी डेट लिख रहे हैं तो उनके साथ क्या होता था, वो जो आपस में एक दूसरे के साथ डिबेट करना स्टार्ट कर देते थे। यानी कि एक दूसरे में वाद विवाद करना स्टार्ट कर देंगे कि जो है ये डेट सही है, दूसरा बोलेगा ये डेट सही है। ठीक है, तो ऐसे क्या करते थे। तो देखिए, ये आखिर हम देख रहे थे, ये जो डेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया करते थे। लेकिन देखिए, आप भी बहुत बार सोचते होंगे हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट, यानी कि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो डेट है वो हिस्ट्री का एक पार्ट है, ना कि जो है हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट ही है। ओके, क्या है हिस्ट्री जो है, डेट जो है हिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके, देखिए, आपने जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो है, आप बहुत सारे लोग से जो है आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स होते हैं। और साथ ही आपने भी जो है ये बोला हुआ कि जो हिस्ट्री है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री जो डेट है हिस्ट्री का एक पार्ट है। और देखिए, हिस्ट्री हमें जो है बताता है कि कोई भी जो टाइम है वो, मतलब कोई भी चीज़ है वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुआ है। यानी कि आज 1000 साल कैसे था पहले, या फिर कितने भी साल पहले, और आज कैसा है। ठीक है, और चेंज जो है कैसे हुआ, ये सब जो है हमें हिस्ट्री नॉलेज देता है। ओके, अब देखिए, जो हम लोग का हिस्ट्री है वो क्या देता है, हम लोग को नॉलेज देता है कि कोई भी चीज़ चेंज कैसे हुआ, ये हमने डिस्कस कर दिया। और देखिए, चेंज हुआ भी है तो कैसे हुआ है, ये भी जो हम लोग का हिस्ट्री हमें नॉलेज देता है। और देखिए, हिस्ट्री से हम क्या कर पाते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट का जो है कंपेयर कर पाते हैं। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर, कि पहले कोई भी चीज़ कैसे हुआ करता था और आज कोई भी चीज़ जो है कैसा है, ये जो हम हिस्ट्री से कंपेयर कर पाते हैं। और देखिए, आप अभी किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप जो किसी के साथ जो है कोई भी किसी तरह का कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन जो है आप नहीं पूछते होंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख के जो है उसके पीछे की हिस्ट्री जानना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, तो जब आप मार्केट जाते होंगे तो आप टी स्टॉल देखते होंगे, यानी कि चाय की दुकान देखते होंगे, या फिर जो है आपकी मम्मी जो है घर पे भी चाय बनाते होंगे, तो जो आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि जो चाय है, ठीक है, वो बना कैसे है, उसकी खोज कैसे हुई है, उसके जो आप पीछे की हिस्ट्री जानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो रेलवे। ठीक है, अभी आप रेलवे को देखते होंगे तो आप क्या सोचते होंगे कि जब पहले रेलवे नहीं हुआ करते थे तो फिर जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कैसे किया करते थे। ओके, आप ये सोचते होंगे। और उसके बाद फिर आप एक्साइटेड हो जाते होंगे ये जानना कि जो रेल है वो उसका खोज कैसे हुआ था, आप जो उसके पीछे की हिस्ट्री जानना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि न्यूज़पेपर। ओके, अब देखिए, आज आप न्यूज़पेपर पढ़ के जो न्यूज़ लेते हैं, लेकिन आप देखिए, आप ज़रूर आपने ये सोचा होगा कि जब न्यूज़पेपर नहीं थे तो फिर जो है किसी आदमी को जो न्यूज़ कैसे पता चलता था। और फिर जो आप फिर से जो एक्साइटेड हो जाते होंगे कि जो न्यूज़पेपर है उसका खोज कैसे हुआ था। ओके, तो देखिए, ऐसे तो आप हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ जो है जिनको आप देखिए जो है उसके आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या हुई होगी। ओके, अब देखिए, ये हमने जान लिया कि जो डेट्स है वो हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री क्या है, यानी कि डेट क्या है, एक पार्ट है हिस्ट्री का। तो देखिए, तीन चीज़ से मिलके बनते हैं हिस्ट्री। कौन क्या क्या, तो पहला हो गया डेट, दूसरा हो गया टाइम पीरियड, और तीसरा हो गया इवेंट। तो अभी हमने डिस्कस कर दिया डेट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का कोई लंबा प्रोसेस होता है तो वो हो गया हम लोगों का टाइम पीरियड में से गिना जाता है। जैसे कि मान लीजिए चाय, तो देखिए चाय से नहीं है,
देखिए कोई भी स्पेसिफिक डे में अगर किसी चीज का खोज होता है तो उसको हम एक डेट दे देते हैं कि जो इतने तारीख को जो खोज हुआ था, इतना डेट था उस चीज। लेकिन अब किसी भी चीज का कोई लंबा प्रोसेस होता है तब वो खोज होता है, तो उसको जब हम लोग एक स्पेसिफिक जो है डेट नहीं दे सकते, एक स्पेसिफिक डे में जब कोई चीज खोज नहीं हुआ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि मान लीजिए चाय का अगर हम एग्जाम्पल दें, तो देखिए आज तो हम लोग चाय पीते हैं। देखिए इंडिया का जो शुरुआत चाय से ही होता है सुबह सुबह, तो देखिए चाय जो होता है तो देखिए चाय ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन में जो है खोज हुआ है, और चाय को खोज होने में जो एक लंबा प्रोसेस हुआ है, फिर वो जो है धीरे धीरे क्या वो जो है लोग को जो पसंद आना स्टार्ट हो गया, ठीक है कुछ इनर्जेटिक सा लगा, फिर जो है लोगों के बीच में जो चाय का जो है चाय का टेस्ट फैलना स्टार्ट हो गया, तब जो है चाय लोगों को पता चला कि चाय नाम का भी कोई चीज है। ओके और ऐसे अगर एग्जाम्पल हम लोग रेलवे, तो अब देखिए ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में जो है रेलवे जो है तैयार हो गया। ओके रेलवे ट्रैक पे भी चला गया, स्टीम इंजन लग गए और फिर रेलवे चलना स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं है। देखिए रेलवे जब बना है तो उसके पीछे भी एक प्रोसेस होगा कि देखिए किसी दिमाग आदमी के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि जो इस टाइप से हो सकता है, फिर उसे ट्रैक पे लाया गया होगा, स्टीम इंजन लगाया होगा, फिर जो है ट्रेन चला होगा, तो ट्रेन के पीछे भी क्या एक पूरा प्रोसेस है। तो देखिए इन सब चीज़ के यानी कि जिसके भी पीछे जो कोई प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। या फिर आपको जो मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ, तो मान लीजिए कि एक रूलर है यानी कि एक राजा है, तो अब देखिए हम ये देखते हैं कि इसने जो इतने से लेके जो मतलब मान लीजिए कि 1718 से लेके जो 1854 तक उसने रूल किया है, ठीक है, तो उसके बीच में जो भी जो गैप है जहाँ तक उसने रूल किया है उसको हम लोग किस चीज़ में डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड में डिफाइन करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा डेट किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक डे में हुआ होता है तो उसे डेट कहते हैं, और किसी भी चीज़ के पीछे कोई लंबा प्रोसेस लगा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। अब देखिए पहले की अगर हम बात करें तो हिस्टोरियंस जो है अधिकतर राजा के बारे में लिखा करते थे कि जो है कितने डेट को जो है राजा का जन्म हुआ था, ठीक है, कब वो बड़ा हुआ, किस कौन सा युद्ध जो है वो हारा, कौन सा युद्ध वो जीता, कब उसका राज्याभिषेक हुआ, कब उसने शादी किया, कब उसके बच्चे हुए, कब मरा, इस टाइप से जो एक पूरा प्रोसेस जो लिखा गया था राजा का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में हिस्टोरियंस ने जो है सोसाइटी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया कि जो सोसाइटी है कोई भी सोसाइटी है उसके लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के वहाँ पे कितने लोग फार्मर हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे होता है, ये सब जो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके तो अब देखिए पहले क्या लिख करते थे वो डेट लिखा करते थे, फिर अब देखिए डेट लिखा करते थे और साथ में जो है टाइम पीरियड भी लिखा करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सोसाइटी का इवेंट लिखना स्टार्ट कर दिया कि जो सोसाइटी किस टाइप से डेवलप कर रही है, किस टाइप से ग्रो कर रही है, वहाँ के लोग जो है कौन कौन से इवेंट्स करते हैं, ये जो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेट किसे कहते हैं और टाइम पीरियड किसे कहते हैं और इवेंट किसे कहते हैं। ओके तो ये हमने जान दिया। अब देखिए अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो सत्य की हिस्ट्री होती है, चाहे वो चाय की हिस्ट्री हो, चाहे वो रेलवे का हिस्ट्री हो, चाहे वो न्यूज़पेपर का हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री क्यों ना हो। ओके अब देखिए आपका हिस्ट्री कैसे कि मान लीजिए अब आप 13 या 14 ईयर्स के होंगे, ओके तो अब जब आप बड़े हो जाएंगे, आप कोई बड़े आदमी बन जाएंगे, तो आपके जितने भी पीछे जो जो आपने काम किया है वो क्या हो जाएगा, एक हिस्ट्री बन जाएगा कि जब आपने ये काम किया था वो क्या हो गया, हिस्ट्री वो बन गया। ओके यानी कि सब चीज़ का जो हिस्ट्री होता है, आपने कौन कौन से महान काम किए हैं पहले उसका भी एक हिस्ट्री बन गया। जैसे कि एग्जाम्पल है हम लोग महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी जो कब वो बड़े हुए, उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, ठीक है क्या क्या किया, वो क्या हो गया एक हिस्ट्री में जो वो हिस्ट्री बन गया। ओके इस टाइप से होता है। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का टॉपिक है व्हाई इम्पोर्टेंट आर डेट्स, ये कम्प्लीट होता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है विच डेट, यानी कि हमने देख लिया कि डेट्स जो है इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं और डेट क्या होते हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कौन सा डेट जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब हमने देख लिया कि डेट इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, लेकिन कौन से डेट इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कम्प्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।